हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। दिल्ली में विमान से उतारे जाने के बाद पवन खेड़ा को असम पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर जा रहे इंडिगो के विमान से उतारे जाने के बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार असम के डीमा हसाओ जिले में खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। खेड़ा को उतारे जाने के बाद कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे। हंगामे के बीच स्थगित हुई दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्यवाही, चुनाव भी रुका। खबर है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर शैली ओबेरॉय ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसकी वजह से एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी रुक गया है। मेयर ओबेरॉय ने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए हंगामे और तोड़फोड़ के चलते सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को दी मंजूरी। खबर है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने सातवें चरण की शिक्षा नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और हम उस पर कायम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका के साथ परमाणु हथियार संधि सस्पेंड करना रूस की बड़ी गलती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि सस्पेंड करना रूस की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस कदम से ये स्पष्ट नहीं है कि वह परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह परमाणु संधि 2011 में प्रभावी हुई थी। संकटग्रस्त पाकिस्तान को चीन ईरान ने दिया समर्थन। खबर है कि चीन और ईरान ने पाकिस्तान को समर्थन दिया है क्योंकि देश दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। राष्ट्र में अस्थिर स्थिति के बीच ईरान ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 6 सीमा बाजार स्थापित किए हैं, जबकि चीन पाकिस्तान को $700 मिलियन का नया ऋण देगा। IPL 2023 के लिए एडन मार्करम को सनराइजर्स हैदराबाद का बनाया गया नया कप्तान। खबर है कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम को आगामी IPL सत्र के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। मार्करम, जिन्होंने पहले सनराइजर्स ईस्टर्न केप को SA20 प्रतियोगिता में जीत दिलाई थी, पूर्व IPL चैंपियन से बागडोर संभालेंगे। टीम ने ट्विटर पर मार्करम के नाम की घोषणा का एक वीडियो शेयर किया है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पार्टी के 60 से ज्यादा सदस्य हुए गिरफ्तार। खबर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी PTI के 6 वरिष्ठ नेताओं सहित 60 से अधिक कार्यकर्ताओं को लाहौर पुलिस ने मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन, संविधान के दुरुपयोग और आर्थिक मंदी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि पार्टी ने दावा किया कि 500 से 700 कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।